आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही कॉमन और पॉपुलर सी रेसिपी राजमा, लेकिन इसे आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बढ़िया से राजमा बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक कुकर, और कुकर में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। और जब ऑयल गरम हो जाएगा ना, तो इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लिया 2 ग्रीन इलायची, 1 ब्लैक इलायची, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा और 1 तेजपत्ता। सबको एक साथ ही मैंने ऑयल में डाल दिया है। जब ये जीरा वगैरह तड़क जाएगा ना, तो इसमें डालेंगे 2 बड़े बड़े साइज में कटे हुए प्याज, 2 हरी मिर्ची और ये 6-7 करी लहसुन की, इन्हें भी मैंने लंबा पतला काट लिया है। तो इन सब चीज़ों को बड़ा बड़ा करके ही हम इसमें डाल देंगे, और फिर इसे ना लाइट ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे, बहुत ही लाइट, यानी कि थोड़ा सा बस कलर चेंज हो जाए। और साथ में ना इसमें 1 टेबलस्पून भर का बारीक कटा हुआ मैं अदरक भी डाल रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने मोटी मोटी काटी हैं, और ये बारीक काटा इसलिए क्योंकि अदरक ना मोटा मोटा अगर मुंह में आना खाने में, तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता, मेरे घर पे भी सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे बारीक काट कर डाल दिया है। और अगर आपके घर पे खा लेते हैं अगर, तो आप प्याज और लहसुन की तरह ही इसे बड़ा बड़ा काट कर डाल सकते हैं। अब अदरक को भी साथ में ही हम भून लेंगे प्याज के, और 2 मिनट पकाने के बाद अब आप देखिए प्याज जो है वो लाइट से कलर में आ गए हैं, लाइट ब्राउन से कलर में। तो बस इन्हें इतना ही पकाना है, और अब इसमें ऐड करेंगे ये बड़े बड़े साइज़ के 4 टमाटर। इस तरह से बड़े साइज़ में मैंने इन्हें काट लिया है, और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना टमाटर में, वो भी मैंने कट करके अलग कर दिया है। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में, यानी कि 2 पीसेज में कटे हुए टमाटर को हम इसमें प्याज के साथ ही कुकर में रखते जाएंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे हाथ को बचा के, कि हाथ को गर्म ना लगे, बस इस तरह से इसे रख देंगे अंदर। और टमाटर रखने के बाद ना, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। और पानी डालने के बाद अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, साथ में विसल भी लगा देंगे, और फुल फ्लेम पर ना 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं, तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, पर कुकर को ऐसे ही रखा रहने देंगे जब तक इसमें से स्टीम खत्म नहीं हो जाती। तो थोड़ी देर रखने के बाद ना कुकर की स्टीम निकल चुकी है, तो अब हम ढक्कन खोल कर चेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए थे ना, उनके छिलके अलग हो चुके हैं। तो अब इन छिलकों को ना हम अलग कर लेंगे, अगर ठंडे हो जाए तो हाथ से अलग कर लीजिए, नहीं तो चिमटे से कीजिए, आसानी से हो जाएंगे। तो अब छिलके अलग करने के बाद ना गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे, और किसी कड़छी से इस तरह से इसे मैश कर लेंगे, प्रेस करते हुए इस तरह से कड़छी से कर लीजिए, या फिर ये जो पाव भाजी मैशर होता है ना, इससे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा इजीली हो जाएगा। इसे अच्छे से मैश कर दीजिए सारे टमाटरों को। इस तरह से तड़का बनाएंगे ना, तो क्या होता है कि हमें भूनने का, तड़के को चलाने का, खड़े होकर चलाने का चक्कर नहीं रहता है ना, वो झंझट नहीं रहता, फटाफट चलते फिरते ये सब्जी बन जाती है। आज तो हम राजमा बना रहे हैं, आप किसी भी सब्जी को ऐसे बना सकते हैं। तो बस अच्छे से मैश करने के बाद ना, ये जो पानी है ना प्याज टमाटर के अंदर, इसे हमें सुखाना है गैस की फुल फ्लेम पर, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहिए। तो बस पानी सूखने के बाद फिर से मिलते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने ना इन्हें फुल फ्लेम पर 3 मिनट तक पका लिया है, और ये देखिए पहले से गाढ़े हो गए हैं, पानी काफ़ी सूख गया है ना, तकरीबन सूख गया है। तो बस अब गैस की फ्लेम को सिम करेंगे, और फिर इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें हाथ से क्रश करके, और 1 टीस्पून इसमें नमक भी ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और लाल मिर्ची की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो बढ़ा के डाल लीजिए, कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो कम कर लीजिए। और अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। हल्दी का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया है। और अब इन मसालों को ना गैस की सिम फ्लेम पर हम थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि मसाले भी पक जाएंगे और इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा राजमा में। सूखे मसालों को भूनने के बाद अब आप देखिए मसाला जो तड़का है हमारा एकदम तैयार है,
इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 4 से 5 घंटे पहले भिगोए हुए राजमा। तो यहाँ पर 1 कप राजमा लेकर मैंने इन्हें अच्छी तरह से 4-5 बार पानी में धोने के बाद 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुके हैं और अब मैं इन्हें इस तड़के में डाल रही हूँ। अब तड़के के साथ मिक्स करके ना इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। तो मैंने ये राजमा लंच में बनाने थे इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग भिगो कर रख दिए थे, तो आप रात भर भी भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राजमा को तड़के के साथ ना 2 मिनट के लिए भून लिया है। इसे भूनिए जरूर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब गैस की फ्लेम को हम फुल कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने राजमा बिना उबाले यानी कि भिगोए हुए यूज़ किए हैं, उबाले बिना, तो इसलिए अच्छे से भीगे हुए हैं तो इसलिए पानी जो है 3 कप ऐड किया है मैंने इसमें। और अगर आप राजमा उबाल कर फिर इसमें तड़के में डालते हैं ना तो वो भी चल सकता है, तो उसमें पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, नमक डाल के उबाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जल्दी बन जाते हैं। एक ही बर्तन में फटाफट तड़का लगाया और जल्दी से उसमें राजमा डाले, पानी डाला और अब इसको सीटी दिलवा देंगे। और इस तरह से मोटा मोटा तड़का काटने से ना तड़का भुन भी बहुत ही जल्दी जाता है। तो इतना पानी काफ़ी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो बनने के बाद जब हम कुकर खोलेंगे ना तो इसमें गर्म करके और डाल देंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो। तो अब यहाँ पर मैंने बिना उबाले हुए राजमा डाले हैं ना, तो अब एक सीटी तो इसे फुल फ्लेम पर दिलवाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को सिम करके 10 मिनट तक और पकाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुकर में एक सीटी आ चुकी है, अब गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे और सिम करने के बाद इन्हें 10 मिनट तक और पकाएंगे। तो अब राजमा को यहाँ पर सिम फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पर कुकर को अभी नहीं खोलेंगे, ऐसे ही रखा रहने देंगे, स्टीम खत्म हो जाएगी तब खोलेंगे। तो अब यहाँ पर कुकर की स्टीम खत्म हो चुकी है, तो मैं कुकर का ढक्कन खोलकर देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो अब ये जो राजमा है ना हमारे, ये देखिए पककर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। और सब्जी की कंसिस्टेंसी देखिए आप, एकदम परफेक्ट है। अगर आपको और थोड़ी पतली चाहिए ना इसकी ग्रेवी जो इसकी कंसिस्टेंसी है, तो थोड़ा सा पानी गर्म करके ऐड कर लीजिए, तो अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिए। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए 1/4 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, धनिए से तो इसकी रौनक और भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपको कहीं लग रहा है कि हमने इसमें मोटा मोटा तड़का यूज़ किया है प्याज टमाटर काट के, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छे बने हैं। फिर भी बिल्कुल भी पीस के नहीं डाला, पर लग रहे हैं कि बिल्कुल पीस के मसाला डाला है ग्राइंड करके, है ना, बहुत ही बढ़िया बने हैं राजमा। तो अब ये लीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाने वाले बहुत ही बढ़िया राजमा बनकर तैयार हैं। आप इन्हें लंच में, डिनर में कभी भी बनाइए, चावल के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। तो कभी क्या होता है ना कि हमें जल्दी होती है घर पे, लंच और डिनर बनाने की जल्दी होती है, टाइम कम होता है, तो आप इस तरह के राजमा बनाकर खाइए। राजमा क्या, कोई भी सब्जी को इस तरह से जल्दी से बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएगी और सबको पसंद भी बहुत आएगी। और राजमा तो वैसे भी सबको बहुत पसंद होते हैं, खासकर बच्चों को। ये सब्जी क्या है ना कि चलते फिरते बन जाती है, खड़े होकर मसाले को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मसाला डालो इसमें प्याज टमाटर का और सीटी लगा दो, 1-2 सीटी में ये पककर तैयार हो जाता है। और बातों ही बातों में हमारे राजमा बनकर तैयार हो गए हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल वेज जायका को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।